पर्सनल फेवरेट है ना किया में, वो ये ग्रैंड कार्निवाल है भाई। डबल सनरूफ और ये पैनल चेक करो, बाकी इसका गियर है। कैसे समझाएं कि तुम अभी छोटे हो? उस्ताद इधर खैबर घर में खड़ी हो, उसके टायरों के पैसे नहीं रेंज हो रहे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की कहानी कुछ ऐसी है कि आज दिन क्या है? आज दिन है फ्राइडे। हाँ, आज फ्राइडे है और देखते हैं कि आज हमारे पास क्या करने को है। पहली अपडेट ये है कि लाहौर वाले ब्लॉग्स का मुझे कुछ नहीं पता कब आते हैं। थोड़ा लेट हो गया क्योंकि भाई हमने काम शुरू कर दिया अपने फाइनल्स पे, एक मंथ रह गया तो उस पर काम चल रहा है। और ये हमारे साथ सलमान भाई आज मौजूद हैं और इनकी बस शॉर्ट फिल्म पे हमने काम शुरू किया है, तो बस वही चल रहा है। और अभी का सीन ये है कि हमने जाना यूनिवर्सिटी, कुछ प्रोजेक्ट हैं जो कि खामखा में यूनिवर्सिटी वाले हमारे मत्थे डाल देते हैं, तो वो हमने बना लिए हैं कल से बैठे, लेकिन उनका प्रिंट आउट कराना है तो उसके लिए अभी हम जाएंगे प्रिंटी और वहाँ से प्रिंट आउट करा के फिर हम जाएंगे यूनिवर्सिटी। भाई वो सीन कुछ ऐसा है कि हम पिंडी गए थे, पिंडी प्रिंटिंग वाली जो है ना सारी शॉप्स बंद थी, फिर यूनिवर्सिटी आना पड़ा और यूनिवर्सिटी आके ये हुआ कि एक दो गलतियां मैम ने निकाल दी, उनको हमने पैसे रीसेट किया और प्रिंटिंग के लिए एक बंदा जा रहा था, बस उन भाई को हमने पकड़ा दिए तो वो प्रिंट करा के शायद सबमिट भी करा दें। तो अभी का सीन ये है कि भाई ये हमें आए हैं एक भाई पिक करने, नुमान सालिक साहब। ये इनको तो कोई काम शाम नहीं है इधर, हमें यूनिवर्सिटी से इन्होंने उठा लिया। तो क्या सीन है भाई? यार मुझे एक बात बताओ तुम, पहले मुझे तो चलो कोई काम नहीं है। हाँ तुम मुझे एक बात, मेरा एक तुमसे सवाल है। तुम इस यूनिवर्सिटी से पढ़ के क्या करोगे? क्या फ्यूचर है तुम स्टूडेंट लोगों का? यार यार आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं? हाँ भाई मैं पहला सब्सक्राइबर हूँ, ऐसी बात नहीं है, वो फ्यूचर है। तो भाई एक वो क्या कहते हैं न्यू यूट्यूबर इन टाउन वाली मैंने बात की थी, तो ये हमारे भाई हैं। थैंक यू जिन्होंने जो है ना। भाई मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं साद का शागिर्द हूँ। अल्लाह माफ करे। ठीक है, साद भाई हमारे सीनियर भाई हैं, उस्ताद जी हैं हमारे। अल्लाह माफ करे भाई, ये हमारे उस्ताद जी हैं। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है, कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, ये भाई यूट्यूबर हैं, व्लॉगर हैं। हम तो वैसे छोटी मोटी वीडियोस बना लेते हैं व्यूज व्यूज की, बस मैं व्लॉगर हूँ। ये व्लॉगर हैं वो अलग बात है कि इनके व्लॉग्स का, इतने बड़े यूट्यूबर हैं कि इनके व्लॉग्स का ढेर लगा होता है लेकिन अपलोड नहीं करते, यू नो टाइम नहीं होता ना, बिजी पर्सन। गैस को बताएं हम जा किधर रहे हैं शेरा। तो भाई बल्कि बाल तेरे जिस तरह शेरा तो मैं लग रहा हूँ। तो यार सीन ये है कि अभी हम जा रहे हैं विजिट के लिए एक I-9 में, यू नो हमें किया वालों ने बुलाया है कि आप प्लीज आ जाएं हमारी बुकिंग के लिए। मैं व्लॉग इधर खत्म कर रहा हूँ। विजिट करना है शोरूम किया का, तो उधर थोड़ी बहुत डिटेल्स वगैरह लेनी है गाड़ी के बारे में। यार पूरी बात बताएं उधर जाके नाजरीन को। नहीं नहीं पूरी बात बताएं। बेसिकली सबसे पहले तो दिल से अफसोस है मुझे कि जिन भाइयों का, जिन हमारे प्यारे भाइयों का नुकसान हुआ है। नुकसान किस तरह हुआ है कि जिन लोगों ने आज से एक दो महीने पहले किया स्टोनिक बाय की थी 63 लाख की, वो किया ने एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी खेलते हुए 51.5 मिलियन उसकी पेमेंट जो है वो कम कर दी है। ठीक है, डिक्रीज कर दिया टोटल अमाउंट। इसकी वजह से हुआ क्या कि जिन लोगों ने एक दो महीने पहले नई गाड़ी ली थी उनको लग गया 15 लाख का चूना। मेरे हिसाब से पहले उन सबके साथ हमदर्दी है, टेंशन नहीं लेनी भाईजान, ये लोग वापस रेट्स लेके आएंगे, मैं आपके साथ हूँ। अच्छा, इसे पहले कि वो रेट्स वापस जाए तो मैं ज़रा फ़ायदा लेना चाह रहा हूँ। समझ रहे हैं। अभी का ये सीन है कि हम लोग जा रहे हैं किया स्टोनिक देखने, जिसकी 1.5 मिलियन पेमेंट जो है वो कम हुई है टोटल अमाउंट से, जो कि मेरे ख्याल से कि अब एक्चुअल अमाउंट होनी चाहिए, मतलब अब ठीक है, जस्टिफाई कर रही है थोड़ी बहुत। मेरे ख्याल से अभी भी नहीं है यार तेरे, वो बात ठीक है, लेकिन पहले यार 6.3 मिलियन भाई, उतने में सिविक एक्स आ जाती है और अच्छे ऑप्शन से हैचबैक है। जाके देखते हैं और देखने के बाद कोई तरतीब बनाते हैं,
फिर आपको बताते हैं कि क्या सीन है, हम गए क्यों थे, स्टोरी क्या है जनिया। हम भाई जान ऐसे लोग हैं कि पहले हम टाई खरीदते हैं फिर हम शर्ट खरीदते हैं। गाड़ी देखने जा रहा है एक्साइज से पहले रजिस्ट्रेशन का पूछ लेते हैं हम। ये बात भी तुमने अच्छी है। ये वो जगह है जिधर मुझे अभी को तकरीबन 28-30 दिन पहले चूना लगा है, 55,000 का। आज जुम्मा था, बंद हो गया 1 बजे। 55,000 का मुझे चूना लगा था 28 दिन पहले। ये गाड़ी मैंने ट्रांसफर कराई थी 55,000 रुपया भाईजान। 5 साल से पुरानी लेके आओ तो टैक्स माफ कर देंगे। उस्ताद नहीं होते इस हिसाब से तो हमारी दूसरी गाड़ियों की तो फ्री होनी चाहिए। क्या था हमने सिटी में सिस्टम रखे हुए। मैंने कहा पता नहीं क्या, मैंने कहा नीचे से कुछ लगे ना कर ना कर। आउट साइड से जो है ना हमने एक वॉक ओवर कर लिया। खैर गाड़ी खूबसूरत है, जब लॉन्च हुई थी तब से भी मुझे ज़रा जो है ना एक मतलब उस कैटेगरी में है कि ये गाड़ी जो है ना अच्छी लगती है। बाकी सीट्स अभी तक तो ठीक लग रही हैं, डिटेल रिव्यू हम नहीं दे सकते। बस यही है कि एक क्या कहते हैं जो है ना वॉक ओवर रिव्यू या ये चीज़ हम बता सकते हैं। बाकी इंटीरियर में ये है कि इंटीरियर इसका मैंने वैसे वीडियोस में ज़्यादा क्लियर देखा हुआ है, लेकिन अभी यह है कि इस पर सारी ये रैपिंग वगैरह हुई भी है, तो अब ये जिसके नसीब में होगी वही इसकी अनबॉक्सिंग करेगा, तो उसके बाद ज़्यादा डिटेल्स निकलेंगे इंटीरियर की। खैर अगर बॉयज़ के लिए कहूँ ना तो ये गाड़ी जो है ना उनके लिए मैं कहता हूँ परफेक्ट है, ठीक है, मतलब लॉन्डो के लिए ना ये गाड़ी सही है। प्राइस देखा जाए तो जिस तरह हमारे मुल्क के जो हालात हैं उस लिहाज से तो बहुत ही ज़्यादा है। खैर जो अभी नीचे आई हुई है वो बहुत है, लेकिन एक और सीन है, अभी आके मैं यहाँ पता चला कि ये गाड़ी जो है ना इसकी बुकिंग क्लोज हो चुकी है। सबसे अच्छी चीज़ जो है वो इसका सनरूफ है, जो कि पाकिस्तान में लोगों को ज़्यादा पसंद भी नहीं है और इतनी गाड़ियों में होता भी नहीं है, ख़ासतौर पर छोटी गाड़ियों में। हैचबैक में मेरे ख्याल से दिस वन इज़ द ओनली कार विद सनरूफ। मेरी पर्सनल फेवरेट है ना किया में वो ये ग्रैंड करने वाला है भाई। ये गाड़ी जो है ना मैं कहता हूँ इसका मुकाबला कहीं भी नहीं है। खुली भी है, इधर हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम एवर आई एम सिटिंग इन दिस, देखते हैं कैसी फील है। ब्रो ठीक है, पोजीशन नॉर्मल गाड़ी की तरह नहीं है, ज़ाहरी बात है क्योंकि ये वैन में ही आती है, ठीक है, वैन की कैटेगरी में आती है। बहरहाल डबल सनरूफ और ये पैनल चेक करो, यहाँ तक पैनल है, बाकी इसका गियर है और इंटीरियर मुझे तो काफ़ी प्यारा लग रहा है। और आई थिंक ये 11 सीटर है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। खैर साइड मिरर्स चेक करो यार, मैं साइज़ चेक करो इनका तुम, और नाइस लाइटिंग, गुड सीन है। ये गाड़ी जो है ना मतलब किया में मुझे ये समझ आती है, स्पोर्टेज भी बहुत अच्छी है, लेकिन देखने वो आए थे लेकिन दिल कर रहा है इसको ले लें। नहीं यार ये गाड़ी इसका और सीन है, और सीन है। अगर मतलब सही पिकनिक शिकनिक के लिए जो है ना या फैमिली के लिए भी ये गाड़ी बहुत जबरदस्त है। ठीक है, मैं कौन सा अभी चेक दे रहा हूँ, लेकिन ये है कि दिल को कैसे समझाएं कि तुम अभी छोटे हो। उस्ताद इधर खैबर घर में खड़ी है, उसके टायरों के पैसे नहीं अरेंज हो रहे, दिल और जेब कैबर के टायरों के पैसे नहीं हो रहे, हम इधर कार्निवाल देख रहे हैं। अच्छा तो भाई सीन ये है कि गाड़ी जो है हमने सारी देख लिया, तो हमारा जाने का जो मकसद था एक तो कुछ कन्फ्यूजन्स थी जो कि हमने क्लियर करनी थी, और नुमान भाई का ज़रा मूड है कि इन्वेस्टमेंट जो है ना, अगर कॉल उठानी है नहीं, तो नुमान भाई का जो है ना ज़रा मूड है, अगर समझ आती हुई तो उठा लेंगे, क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मतलब पहली दफ़ा ही हुआ है कि एक गाड़ी में 15 लाख की कमी हो रही है भाई, तो काफ़ी बड़ा मार्जिन है, और ज़ाहरी बात है जो मुल्क के हालात हैं तो उस लिहाज में प्राइस जो है ना इसके ऊपर जानी है। खैर जो गाड़ी है
वो आती है आपके हैच बैग और क्रॉस ओवर, क्रॉस रोड कहते हैं, क्रॉस ओवर कहते हैं, क्रॉस ओवर, क्रॉस ओवर जो है ना इनके दरमियान की एक चीज़ है, अगर कोई नई कैटेगरी निकल सकती है, लेकिन ज़्यादा हैच बैग की तरफ ही हम आएंगे। बाकी गाड़ी पाकिस्तान के लिहाज से देखी जाए उस कैटेगरी में तो बहुत अच्छी गाड़ी है, कई जो सेडान है उनसे भी अच्छी है, ख़ासतौर पर फंक्शन में सेफ्टी साइड आप दे सकते हैं। इंजन 1500 सीसी है, तो एक अगर हैच बैग में देखो तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा इंजन ही है। तो ये सारी चीज़ें और बाकी उनसे हमने बातचीत की जो कि प्राइसिंग वगैरह की सारी चीज़ें होगी, और बुकिंग शुकिंग का तो रोला ये किया हुआ है कि उन्होंने बुकिंग बंद की हुई है। तो अब जो मेन डिटेल है ना, जो ये फिगर्स वाली साइड है, इसमें हम हैं ज़रा माड़े, ठीक है, टैक्स शैक्स हो गए ये सारी चीज़ें, तो वो सारी डिटेल जो है ना अगर वो चाहिए तो भैया नुमान भाई ने स्टार्ट किया व्लॉगिंग, सो यू कैन चेक आउट फर्दर डिटेल्स ऑन हिज चैनल। तो भाई जान, दैट वॉज द होल स्टोरी ऑफ द डे। तो अब गाड़ी का जो सीन है वो बस हमने टाल ही दिया, टाल क्या दिया क्योंकि बुकिंग ही क्लोज़ है, तो कुछ भी अगर बंदा करना चाहे तो नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने बताया ऑलरेडी 100 से ज़्यादा उनके ऑर्डर हो चुके हैं और उनके पास यूनिट जो है अभी तक कोई भी नहीं है। इवन के जो यूनिट उनका रिव्यू के लिए खड़ा था शोरूम में भी, वो भी कह रहे थे कि हमने एक कस्टमर से रिक्वेस्ट की हुई है और रिक्वेस्ट करके हमने अपने पास अभी तक ये होल्ड किया हुआ है क्योंकि हमारे पास रिव्यू पे सॉरी प्रीव्यू पे कोई यूनिट नहीं है। तो बस ये थी आज की दिन की वीडियो, फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़। जब दो व्लॉगर्स एक गाड़ी में बैठे हों तो ऐसे होता है।